तो प्लान में थोड़े चेंजेस आ गए हैं। मैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी एस्कॉन टेम्पल जा रहा हूँ। एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड हेल्दी। मेरी टैक्सी आने वाली है 60L480 शेवरलेट। यहाँ की सब गाड़ी शेवरलेट ही हैं। इस्कॉन जनाए थे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण द हिंदू टेम्पल। चुछुत, बहुत ही बड़ी समस्या है ताशकंद में। इस्कॉन टेम्पल इतनी बड़ी चीज़ है हिंदुओं के लिए। ना इस्कॉन टेम्पल यांडेक्स में है, ना टूगिस में है, बस गूगल मैप्स में है। और लोगों से पूछते हैं तो वो उनको पता भी नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस्कॉन टेम्पल जाने में। बस ले लेता लेकिन मेरे को लगता 30-40 मिनट, और यार बंद हो जाएगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आज या कल में मेरे को पूरा ताशकंद घूमना है। भाई साहब देख रहे हैं अभी कहाँ पर है। गाड़ी वाड़ी ठुक गई है शायद, मस्त लड़ रहे हैं खड़ा करके बीच हाईवे में एकदम। तूने ठोका, ये किया, वो किया, ऐसे वैसे। ये पहुंच गया भाई मैं इस्कॉन टेंपल, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ लिखा है राधा, यहाँ लिखा है कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा। ये देखो भाई, आई एम आलोक। यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम हियर फॉर विजिट टेम्पल। फॉर टूरिज्म? यस। हेलो, या इज इट ओपन? इज इट ओपन? यस, फॉर एवरीबॉडी। Yeah. Because Krishna is for everybody, for everybody. Yeah. Yes. Even not human, even for animals, in, for insects, for everybody is open. I'm living in India. You live in India? Yes. Where? 30 years in Vrindavan. Can I shoot you? Vrindavan, yes. For last 30 years I'm living in Vrindavan. Oh. I love Are Vrindavan. You Hindu or? No, you see, this is, we are not accepting any kind of religious sect. We are free from that. Shri Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva dharma paritajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papipyo mokshay ishyami ma shuchaha. You see, just leave all kinds of religious activities and just surrender unto me. Yes. Who lives in Vraj. I am living in Vraj, that's why. Krishna is my husband. So there is Aarti? Aarti, yes. I am Pujari. When it will happen? I am Pujari. Yesterday was my day, today another lady Pujari. So this is altar room and this altar is there. So it will be open on at 6:30. Yeah. Oh, I will so wait. You can see the deities, Gauranitai deities and Nisimha Bhagavan there. ये है entrance. और यहाँ आप देख सकते हैं founder of ISKCON. और यहाँ पर एक घंटी दी हुई है. और ये पूरा मंदिर है यार, राधा कृष्ण. तो यहाँ आरती अभी 6:30 बजे स्टार्ट होगा। गूगल में ये दिखा के रखा है कि 5 बजे ये स्टार्ट हो जाता है, 5 बजे टेंपल खुल जाता है और यहाँ आरती 6:30 बजे स्टार्ट होता है। तो अगर आप आ रहे हो तो 6:30 बजे आप आरती के लिए आ सकते हो, 6 बजे आ जाना। और इधर कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, लीडिंग द वे बैक टू गॉड हेड। ये देखो, ये 6:30 बजे खुलेगा।
और ये पूरा डमरू तबला ये सब देख रहे हो आप, यहाँ पुजारी बैठेंगे और ये पता नहीं यार क्या है मुझे, जिसको पता है आप कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ कुछ लेक्चर भी दिया जाता है लोगों को कि कैसे कृष्णा इतने महान हैं, और समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलो यार वेट करते हैं, एक घंटा मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन चलो बहुत दिन बाद एक आरती देखूँगा मैं। ये देखो कृष्णा के रूप अलग अलग जमाने में। मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ, ये कब खुलेगा। वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। रशिया गदे जीवियो। यस ताशकंद से। दा ताशकंद। आई एम रशियन। रशियन। तो भाई यहाँ दादाजी मिल गए हैं और मैं इन्हें बोल रहा हूँ आप एकदम पंजाबी जैसे दिखते हैं, तो बातचीत कर रहे हैं क्या हाल है कैसा है, वेट कर रहे हैं आरती का। यू अलोन? आर यू अलोन हियर? अलोन 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 तोल का अधीन ई सिस्त्रा ई जीना। यस यस यस। सिस्त्रा? दा है तो सिस्त्रा। तो ये उनकी छोटी छोटी या तो बड़ी बहन है ये पता नहीं मुझे, और बैठे हैं यार, सही लग रहा है बात करने में। पंजाबी बाबा। पंजाबी अंकल। नो नो ही लुक्स लाइक पंजाबी। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? या मिडिल इंडिया। यस आई नो। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, nearby next state was the next? Odisha. Odisha, okay. 30 years I'm in India. I crossed all India. I was in Chennai. I was in, even in the, this Kanyakumari. Kanyakumari. Kanyakumari, yeah. I went there and I went to the Vivekananda's museum, Vivekananda museum. By boat. Oh. To the Sri Lanka side. Yeah, it was तो जो यहाँ की पुजारी हैं, you are पुजारी, right? तीस साल, 30 years मतलब इंडिया में रह चुकी हैं, कन्याकुमारी और जगन्नाथपुरी, तो मतलब पूरे भक्त हो गए हैं ये लोग भगवान कृष्ण भगवान के। दिस इज कॉल्ड वृंदावन, राइट? नो, वृंदावन यू नो इन, या आई नो प्लेस वृंदावन, बट कृष्णा होम इज वृंदावन। यस, दिस इज प्लेस वेयर कृष्ण परफॉर्म हिज फर्स्ट टाइम्स लीलास विद गोपीज। या मोस्ट इज अ best gopis is Srimati Radharani, Sladini Shakti. How many people live here? Residents and the visitors, about 350 persons. 350? Yeah, and they are local people, Muslim people. He's Russian, she's Ukrainian. Yeah. We have from Germany people, Jewish people. Jewish people. And this from Saudi Arabia we have people. Yeah. So different, even one Negro lady, she's Negro. Negro. Yeah. And she lives here. She took Uzbekistan citizenship. Yeah. She lives here. So is this temple have some residency also? To stay also? No, because it's only for Brahmachari ashram. Brahmacharis ashram. Not for even for ladies there is no space, only for brahmacharis. But nevertheless it's small, but we are extending slowly. Slowly we are extending. It was completely prohibited, Krishna consciousness here, just 20 years back you couldn't. But now it's open for everybody. In some countries it's not open, like Saudi Arabia. Yeah, Saudi Arabia, no, the underground. But they have a big Indian population. Population, a lot, like in England. Yeah. In Russia. USA. In Russia, I'm not sure. But many. In Russia also, we have ISKCON temple. Yeah, everywhere. But population of Indian mostly in England, in Saudi Arabia. And also in Uzbekistan now. Uzbekistan? Because, they like so much Tashkent, Uzbekistan. They're so beautiful places, you know? Yeah, it's very good. So here, Tulsi ka ek pauda rakh diya gaya hai. Pehle nahi tha, kyunki ab aarti chalu hone wali hai.
6:30 बज गया है, ये खुलने वाला है अभी। तो अंदर आरती चली रही है, मुझे कहीं और जाना था। ये मुझे प्रसाद मिला है, एक सेव मिला है और एक ब्रेड टाइप का कुछ है, तो काफ़ी अच्छा लगा यार सावन महीना में एक आरती एक्सपीरियंस करना, और काफ़ी अच्छा है ये इस्कॉन टेम्पल। तो अब वक्त आ गया है यहाँ से जाने का। आपने तो देखा ही कि कितना अच्छा वो लोग गा रहे थे और आरती कर रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। मैं रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा बैठा और थोड़ा मैं भी ट्राई किया गाने का, लेकिन मेरे से उतना बन नहीं रहा था, लेकिन मैं अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ है यार इस्कॉन टेम्पल ताशकंद का। और अभी मैं अपने हॉस्टल जाने वाला हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। अभी थोड़ी देर में यांडेक्स बुलाते हैं और फिर चलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं बनाना नहीं चाहता। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसा कुछ था यार इस्कॉन टेम्पल, ठीक है।
आप अगर ताशकंद आ रहे हो तो ज़रूर यहाँ एक बार विज़िट करो, आप हिंदू हो तो। वैसे इस्कॉन टेम्पल का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप हिंदू बनना आपको ज़रूरी है आपको इस टेम्पल में रहने के लिए या तो पूजा करने के लिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी रिलीजन के लोग यहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं, बस आपको भक्ति में लीन होना है, इस टाइप से कुछ है। ठीक है, मेरे को अच्छे से पता नहीं है, जिसको अगर अच्छे से डिटेल्स पता है इसका तो वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसको पिन कर दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।